हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्स एक्सक्लूसिव। दोस्तों, यह एक तरह का नया कोर्स है और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और ये चीज़ हम भी जानते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी को फटाफट कवर करने का तरीका एक ही है कि एमसीक्यूज़ के माध्यम से उसको कवर किया जाए। अब मैंने सोचा कि क्यों ना 200 एमसीक्यूज़ के जरिए हम पॉलिटी भी कवर कर लें, इकोनॉमी भी कवर कर लें, हिस्ट्री भी कवर कर लें और जियोग्राफी भी कवर कर लें। तो दोस्तों, इस कोर्स का नाम है एग्जाम सेंट्रिक कवरेज ऑफ एनसीईआरटी थ्रू 200 एमसीक्यूज। दोस्तों, ये प्रीलिम्स टेस्ट 2019 के लिए है और ये मेरे द्वारा प्रेजेंट की जा रही है धीरज शर्मा के द्वारा, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं एग्जाम्स एक्सक्लूसिव के फेसबुक पेज पे, धीरज शर्मा के फेसबुक पेज पे, और ये एक ग्रुप है एग्जाम्स एक्सक्लूसिव फॉर ऑल फेसबुक ग्रुप। आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलती है, डेली के जो अपडेट्स होते हैं वो मिलते हैं, यानी कि आप प्रीलिम्स फैक्ट कह सकते हैं, एडिटोरियल का जो एनालिसिस है वो आपको टेक्स्ट के माध्यम से यहाँ पे नोट्स बना के दे दिए जाते हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है? पहले हम कवर करेंगे एनसीईआरटी ऑफ इंडियन पॉलिटी विद 50 MCQs, सिर्फ 50 MCQs के माध्यम से हम पूरी की पूरी जो पॉलिटी है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, और लास्ट में हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो देखिए, 50 50 50 50 यानी कि 200 MCQs हमारे पास हो गए, एक बंडल मान सकते हैं प्रीलिम्स टेस्ट 2019 के लिए। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी तक 30 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 30th क्वेश्चन तक हम पॉलिटी के कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, और आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40th तक करेंगे इस लेसन में। तो दोस्तों, एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको फेसबुक के ग्रुप पे एग्जाम्स एक्सक्लूसिव फॉर ऑल। जैसे ही 50th क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, तुरंत आपको पीडीएफ वहां पे उस ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर अभी तक कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, और इस लेसन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एग्जाम्स एक्सक्लूसिव के इस यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए 31st क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन लैंग्वेज, Which of the following statement is or are correct? दोस्तों, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है अपने पास, तो देखिए कौन सी सही है वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो पहले क्या है, The seventh schedule of the Indian Constitution include 22 official languages of India. दोस्तों, 22 लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन सेवंथ शेड्यूल नहीं आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एट्थ शेड्यूल कर देता हूं तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगी। सो शेड्यूल 8 कंटेन 22 लैंग्वेज, दस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज। सो फ्रेंड, 7th शेड्यूल हैज डिवाइडेड द यूनियन एंड स्टेट सब्जेक्ट्स ऑन विच दे कैन मेक लॉज। इट कंप्राइजेज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। दिस एंश्योर क्लियर demarcation of a legislative power between the state and the center. So, ये जो statement है वो हमारी गलत हो गई। दूसरी देखते हैं। According to the census 2011, Tamil is the second most spoken language in India after Hindi. क्या ये सही है? दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही बता दीजिएगा कि ये statement सही है या गलत है। देखिए, फर्स्ट पे तो हम जानते हैं हिंदी बोली जाती है, कितने परसेंट? 43.63%, 43.63%। अब दूसरे पे कौन सी आती है? बंगाली, यानी कि 8.30, और यहाँ पे क्या है? तमिल। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। अब बंगाली कितनी बोली जाती है? 8.30, और उसके बाद मराठी 7.09, फिर तेलुगु 6.93, फिर तमिल 5.89। तो दोस्तों, बंगाली जो है वो सेकेंड स्पोकन लैंग्वेज हुई हिंदी के बाद।
तो यहां पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। तो चलिए 32nd क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म। तो दोस्तों यहां पे आपके पास पांच स्टेटमेंट कह सकते हैं या फिर पांच वाक्य भी कह सकते हैं आप, तो यहां पे बताना क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए यहां पे क्या क्या आंसर बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म। भाई पहला है ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल है। और दूसरे पे क्या है, सेपरेट फेडरल एंड प्रोविंशियल जुडिशरी, ये नहीं है। तीसरा क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप, ये भी नहीं है। चौथा क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये है। और पांचवा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है। तो दोस्तों आंसर क्या हो गया, 1, 4 और 5। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो देखिए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ड्यूल गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, डिविजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड, इंडिया हैज इंडिपेंडेंट बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी रादर देन सेपरेट फेडरल एंड प्रोविंशियल जुडिशरी विच इज ट्रू इन अमेरिकन केस। ड्यूल सिटीजनशिप इज ए फीचर ऑफ अमेरिकन फेडरेशन। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां पे आपके पास दो स्टेटमेंट हैं। अब भाई बताना क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली देखते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों क्या ये जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है? बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन 1976, द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वॉज फॉल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल एमरजेंसी बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, न्यू पार्ट नेमली पार्ट 4A वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड पार्ट 4A कंटेन ओनली वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51A। सो इसी वजह से जो पहली स्टेटमेंट है वो सही हो गई। अब दूसरी देखते हैं। टू पे टैक्सेस इन वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। दोस्तों ये गलत है, तो आंसर क्या बनता है यहां पे, ऑप्शन ए, यानी कि वन ओनली। सो अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं। सो फ्रेंड, ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। सो ये है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यहां पे दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। विच ऑफ द पेयर गिवन बिलो आर करेक्टली मैच्ड। तो दोस्तों कौन कौन से जो पेयर हैं वो करेक्टली मैच हैं, यहां पे आपको ढूंढने हैं। तो पहला क्या है भाई, आर्टिकल 143। सो आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। सो फ्रेंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पजेसेस एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंडेड टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस। यानी कि दोनों के पास पावर है, वो चाहे वो भी करे, वो चाहे वो भी करे। तो दोस्तों यहां पे क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर सम मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फॉर एडवाइस। तो ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो देखिए इस ऑप्शन को तो हम हटा ही देते हैं, मतलब इसको हटा दीजिए। अब देखते हैं दूसरा, स्पेशल लीव टू अपील आर्टिकल 136। सो फ्रेंड द सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास बाई एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या है भाई, अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सही है? नहीं, ये गलत है। तो अब देखते हैं थर्ड,
appellate jurisdiction, article 132, 133, 134. So ye kya hai? Special power of appeal to Supreme Court from any judgment passed by a lower court. तो देखिए ये भी गलत है. तो दोस्तों अब सीधा सीधा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि ऑप्शन सी बचता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि भाई वन ओनली हो जाएगा, तो एक के साथ चार भी होगा. तो ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 131, केस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, वन एंड फोर ओनली. तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 35. तो भाई 35th क्वेश्चन कहता क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एंशर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो दोस्तों ये है चार स्टेटमेंट, इनको हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द अबाउ राइट्स कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम. तो दोस्तों पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता क्या क्या है. पहला है प्रोटेक्शन ऑफ राइट, कौन कौन से राइट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अगला क्या है, रिसीड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. भाई जम्मू कश्मीर का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो स्पेशल केस है, सो वहां पे ये चीजें लागू नहीं होती हैं. सो एक और क्या है प्रोटेक्शन ऑफ राइट के अंदर, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. और कौन कौन से राइट आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इनको देखते हैं. पहला देखते हैं, राइट टू होल्ड रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इश्यू अंडर आर्टिकल 19. तो ये वाला है वो सही है. दूसरा देखते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, भाई ये भी सही है. तीसरा क्या है, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, पर ये गलत है. तो क्यों गलत है वो जानना जरूरी है. राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस रिलीजन कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नॉट राइट टू फ्रीडम. तो ये कह सकते हैं हम उसका एक पार्ट हो सकता है. सो यहां पे देखिए पहला दूसरा सही है, तो पहले दूसरे के साथ तीसरा भी गलत है. तो आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी आएगा. लेकिन इसको भी देख लेते हैं, राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड एंड कन्विक्ट अंडर आर्टिकल 22. तो ये वाला सही है, ये सही, ये सही और ये सही. आंसर हो गया ऑप्शन डी सही. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये तीनों स्टेटमेंट देखने के बाद आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहां पे. तो पहली देखते हैं, सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज वर क्रिएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम इन द फॉर्म ऑफ सभाज. तो दोस्तों पहली जो स्टेटमेंट है वो कितनी सही है कितनी गलत है वो हमें यहां पे बताना है. तो चलिए जानते हैं, सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी एग्जिस्ट इन इंडिया फ्रॉम द अर्लिएस्ट टाइम, नॉट ओनली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इन द फॉर्म ऑफ सभाज, दैट इज विलेज असेंबली, जिसे हम आजकल बोलते हैं ग्राम सभा. सो इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज विलेज बॉडी टुक शेप ऑफ पंचायत एन असेंबली ऑफ 5% एंड दीज पंचायत रिजोल्व इश्यू एट द विलेज लेवल. तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई. तो दोस्तों अब हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडी वर क्रिएटेड आफ्टर 1882 कॉल्ड एज लोकल बोर्ड्स. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. तीसरी देखते हैं, पंचायत्स वर एस्टेब्लिश्ड इन ए नंबर ऑफ प्रोविंसेस फॉलोइंग द एनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट भी सही है. तो आंसर क्या हो गया यहां पे, 2 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैबिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. तो पूछा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो.
तो दोस्तों दो स्टेटमेंट है अपने पास, तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कौन सी सही है या कौन सी गलत है। पहले देखते हैं, द कैबिनेट टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। सो यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो पॉइंट है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो इट कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर्स सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग। तो चलिए फिर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन बट डज नॉट डिफाइन द कैबिनेट। दोस्तों ये गलत है, यहां पे कोई तुक नहीं बन रहा है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ मेंशन एंड डिफाइन द टर्म कैबिनेट। आर्टिकल 352 डिफाइंस द टर्म कैबिनेट एज द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक। तो कौन सा जो आंसर है वो बनता है ऑप्शन ए, यानी कि वन ओनली। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फिर करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहां पे बता देनी है। तीन स्टेटमेंट है तो चलिए देखते हैं पहली। तो दोस्तों पहली है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ फंक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट इन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टेट फाइनेंस कमीशन वुड रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये भी सही है। तो दोस्तों क्यों सही है वो जानना जरूरी है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन वंस इन 5 years। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड द स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड। तो दूसरी स्टेटमेंट इसी वजह से सही है। तीसरी देखते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन इज द सब्जेक्ट लिस्टेड अंडर 11th शेड्यूल। ये भी सही है। तो दोस्तों ये क्यों सही है, ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन इज द सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल अलोंग विद अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक फैमिली वेलफेयर, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहां पे तीनों सही है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। और करेक्ट कोड हमें यहां पे बता देना है। तीन स्टेटमेंट है अपने पास, कौन कौन सी सही है या फिर कौन कौन सी गलत है, सही वाली हमें यहां पे बतानी है। तो दोस्तों वन बाय वन करके देखते हैं, पहली देखते हैं, बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गलत। तो कहां से ये गलत है, सो फ्रेंड व्हाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। Ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of lawmaking, but a fundamental right may only be changed by amending the constitution itself. तो ये है difference. अब देखते हैं भाई second statement. A person can directly approach the Supreme Court only for enforcement of fundamental rights and not in the case of legal rights. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई doubt नहीं होना चाहिए. So friend, कौन सा आर्टिकल कहता है ये सभी चीजें, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं,
while restriction can be put on the legal rights by the parliament. Fundamental rights are absolute. दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है. क्यों गलत है भाई? एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी इफ दिस वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स और रिस्ट्रिक्ट देम इन एन अनरीजनेबल मैनर. हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स. गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स. तो दोस्तों सभी चीजों का एक समाधान मतलब रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ऐसा नहीं है कि भाई लचीला है, लचीला एक पॉजिटिव वे में है. सभी चीजों का समाधान यहाँ पे मिलता है. तो आंसर क्या हो गया इसका भी समाधान ढूंढ लीजिए. थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है, सेकेंड वाला सही है. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि टू ओनली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. With reference to composition and function of Election Commission of India, consider the following statement. दोस्तों आपके पास यहाँ पे दो statement हैं, तो चलिए इनको बाद में देखेंगे, पहले question क्या है वो देख लेते हैं. Which of the above statement given above is or are correct? Correct statement हमें यहाँ पे बतानी है, पहले देखते हैं. The Indian Constitution provides security of tenure of Chief Election Commissioner, but not to the Election Commissioners. सो फ्रेंड पहली स्टेटमेंट कितनी सही लग रही है आपको? कहीं कोई तुक बनता है इस स्टेटमेंट का? मेरे को नहीं लग रहा. तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप खुद ही बता देना. बोथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर दे कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बाय द प्रेसिडेंट ओनली. तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है? मेरे को तो गलत लग रही है, आप बता दीजिए कमेंट्स के अंदर. तो दूसरी देखते हैं. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज मोर पावर एंड कैन ओवरटर्न डिसीजन बाय इलेक्शन कमिश्नर मेड बाय द इलेक्शन कमिश्नर. तो ये स्टेटमेंट कितनी सही है, चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर इलेक्शन कमीशन बट does not have more power than the other election commissioner. That is, chief election commissioner and other election commissioner have equal power to take all decision relating to the election in India. तो दोस्तों ये भी गलत हो गई. आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, neither one and nor two. तो दोस्तों क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बता दी, और दोनों की दोनों गलत है तो आंसर भी मैंने आपको बता दिया. और उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा और 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, उनकी नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिलती रहे. और इस लेसन को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. और दोस्तों हमारे फेसबुक के पेज हैं, ग्रुप हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए. वहाँ पे आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड, यानी कि आपकी डिमांड के ऊपर सभी चीज़ें वहाँ पे चलती हैं. पीडीएफ मिलेगी, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव फॉर ऑल के नाम से फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे, और फेसबुक पेज है एग्जाम्स एक्सक्लूसिव के नाम से और धीरज शर्मा के नाम से. वहाँ पे आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर लीजिएगा. और इस लेसन को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट लेसन में जरूर जुड़िएगा.